मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का मोदी जी ने अपनी मन की बात में जिस गांव का जिक्र किया है उसी गांव में हम पहुंचे हैं और उसी जो समूह की महिलाएं हैं उन्हीं के बीच में हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार उनका जो सफर है कितना जोखिम भरा था और उनको कहां तक कामयाबी मिली हो, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा है, किस तरह से हालात थे तालाब के, चूंकि पूरा फूट चुका था, पुराई हो चुकी थी, आप लोगों ने कैसे प्रयास किए? तालाब पूरा फूट चुका था, पानी भी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने फारो से गहती से खोदा है, फिर मिट्टी यहाँ पे लाए गए हैं, फिर यहाँ पे हम लोगों ने फल पौधे वृक्षारोपण किया है। यहाँ पे हमारे कलेक्टर साहब संदीप जी मेहंदी जी आए थे, उन लोगों ने साइकिल से आए थे, उनने देखा कि अरे ये महिलाएं मेहनत कर बहुत मेहनत करती हैं, तो उनने हम लोगों को बहुत सारी मदद, मिट्टी निकाली तालाब से, बहुत सारी मिट्टी निकाली है, इसलिए हमारे फिर सरपंच सचिव ने भी हमको ट्रैक्टर ट्राली से मदद दी है और उसके मशीन भी लगवाई थी, उससे हमने यहाँ पे फिर वे बोले बंजर जमीन में डालो, यहाँ पे हम लोग ने डाली है, फिर उसके बाद में हम लोग ने ये फल फूट भी लगाए हैं। ये देखो हमारे कितनी हमारी गरीबी अब तो हटेगी, कितने अच्छे फल फूट फल भी देने लगे हैं। अब हम लोग इसके बीच बीच में सब्जी भी लगाते हैं, यहाँ से जैसे बंजर जमीन थी उसके बाद हम लोग फल फूल लगाते हैं और हम लोगों की गरीबी भी दूर हटेगी। हम 12 बहने रहते हैं, दिन रात एक काम करते हैं। आप लोग भी साथ में हैं, किस तरह से हाथ बटाती हैं काम में इन लोगों के साथ, बता दो कैसा काम करती हूँ, कैसा काम करती जे हम गोड़ते हैं, हाथ से गोड़ते हैं, दुबार कुदरन से गोड़ते हैं, फिर लगा रहे हैं सब्जी सब्जी होते हैं, धना बहते हैं, मेथी बहते हैं, फिर काटते हैं, खाते हैं, बेचते हैं। अच्छा तालाब की क्या स्थिति थी तालाब की अम्मा, जो आप लोगों ने मेहनत की, इतना जतन किया है कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी आपका जिक्र कर रहे हैं और आपके साहब को साहस को सलाम कर रहे हैं। हाँ, तालाब गहरीकरण करवाओ, सुहातन से खोदी है, फिर भरवा के और हमने अपने खेत में डरवाई है, गड्ढे में डरवा के फिर हमने पौधे लगा के बस फिर फल फूल लगाए, पेड़ लगा के और फिर सब्जी लगाई है, हाथन से कुदरन से गोड़ो है। अच्छा एक चीज और बताइए, कितना समय लगा है आपको ये सफलता पाने में, चूंकि आज अब राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग छाई हुई हैं, मोदी जी ने अपनी मन की बात में जिक्र किया है। सर लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं हमको ये सफलता पाने के लिए। क्या स्थिति थी पहले? पहले तो ये स्थिति थी सर कि यहाँ कुछ भी नहीं था, तो हम लोग ने तो पहले यही सोचा कि यहाँ क्या करेंगे। जो हमारे संदीप जी आए यहाँ पर कलेक्टर साहब, उन्होंने दिखाया हम लोगों को कि मतलब साइकिल से आए, वो बोलते कि यहाँ तालाब भी है, इसमें मिट्टी डल सकती है, तो उन्होंने हमको बताया। तो इस प्रकार हम लोगों ने, जो तालाब में पानी नहीं रहता था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसी तालाब की मिट्टी निकलवा के अगर इस बंजर में डलवाएंगे तो अपना काम भी बन, अपना जमीन भी बन जाएगा, वहाँ जो तालाब में पानी नहीं रहता तो उसमें पानी भी ठहरने लगेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने कड़ी मेहनत से फावड़े गेंती लेके वहाँ खुदाई करने के लिए गए, तो वहाँ से हम लोगों ने मिट्टी डलवाई, तो हम लोगों की मेहनत देखकर हमारे सरपंच साहब और सचिव भी साथ में रहने लगे, बोले तो जब महिलाएं करती हैं तो हम क्यों ना इनका साथ दें। तो उनने हमारे कहने पे, हमारे सभी सरपंच ने कहा, जो मशीन भी लगवाई है और ट्राली से हमको मिट्टी डलवा देने। कौन कौन पौधे लगाए हैं, कितनी मिट्टी आप लोगों ने बाहर निकाली, कितने एकड़ में आपका ये बगीचा? बहुत सारी मिट्टी निकाली सर हम लोगों ने, और इसमें 6 एकड़ में हमने पौधे लगाए, जिसमें आंवला भी है, अमरूद भी है, जामुन भी है, कटहल भी है, मुनगा भी है, और नींबू भी है, करौंदा भी है। इस फलदार में बहुत सारे पौधे भी लगाए हैं। इस प्रकार हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं।